खल्लारी की पावन कथा। माता के अनंत रूप है। माँ अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अलग अलग स्थानों में अनेक स्वरूप धारण कर सदैव विराजमान रहती है, ताकि उनके भक्तों को कोई कष्ट ना हो। वह अपने भक्तों के दुखों को हर लेती है। आदि शक्ति माता के अनेक रूप है। तो आइए माँ खल्लारी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए खल्लारी माता की जय। प्राचीन काल में महासमुंद जिले के ग्राम बिंचा में माँ खल्लारी साक्षात रूप से विराजमान थी। माँ खल्लारी सदैव नगर भ्रमण को निकलती, ताकि वह अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर सके। एक समय की बात है, माँ खल्लारी युवती का स्वरूप धारण कर नगर भ्रमण को निकली। उसी समय राजा नायक ने माँ के इस रूप को देखकर उन पर कुदृष्टि डाली, जिससे जगत जननी जगदम्बा भवानी माँ खल्लारी अत्यंत क्रोधित हुई और राजा नायक को श्राप दिया। अरे दुष्ट, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भवानी हूँ। तूने एक माँ पर कुदृष्टि डाली है। जिस राज्य में तेरे जैसे राजा हो, उस राज्य का सर्वनाश हो जाए। जिस राज्य पर तुम्हें इतना घमंड है, वह राज्य नष्ट हो जाए और तुम दर दर की ठोकरें खाओ। राजा को श्राप देकर माता वहां से रुष्ट होकर भीम खोज में चली गई। आज वर्तमान में माता भीम खोज में विराजमान है और भीम खोज खल्लारी के नाम से प्रसिद्ध है। राजा नायक का राज्य पत्थरों में विलीन हो गया और वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। इस प्रकार से माँ खल्लारी ने एक दुष्ट को दंड दिया। आज भी ग्राम बिंचा में चैत्र और शारदीय नवरात्र में माँ खल्लारी के नाम से भव्य मेला का आयोजन किया जाता है और माता की पूजा अर्चना की जाती है। माता अपने भक्तों पर कृपा करती है तो दुष्टों को दंड भी देती है। माँ की महिमा अनंत है। वह अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर देती है और उनकी रक्षा करती है। भीम खोज में विराजित माँ खल्लारी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। प्रेम से बोलिए खल्लारी माता की जय। प्लीज मेरे चैनल भगवान की पावन गाथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय माँ खल्लारी।